के वोटर्स में, मतदाताओं में, वो साफ बता रहा है कि यहाँ पे कोई लड़ाई ही नहीं है। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भाजपा के आ रहे हैं तो 25-30 आदमी भी उनके साथ नहीं रह रहा है, और 45-50 हज़ार से जीत होने वाला, ये भी आप जान जाइए। गरीब गुरुओं के साथ साथ जितने हैं बुजुर्गों का, युवाओं का साथ, जोश जबरदस्त है यहाँ पे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए संजीव कुमार परबत्ता विधानसभा से विधायक हैं, बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होना है, क्या कुछ तैयारी अभी बाकी है, क्योंकि प्रचार में अब बस महज कुछ ही दिन बचे हैं, तो कितना मेहनत करना बाकी, इनसे बातचीत करते हैं। आनंद बाबू अच्छे वोट से जीत चुके हैं जी, अब समीकरण भी देखिएगा, और युवाओं में जो जोश है यहाँ के वोटर्स में, मतदाताओं में, वो साफ बता रहा है कि यहाँ पे कोई लड़ाई ही नहीं है, और बस सब लोग ये देख रहे हैं कि क्या रिकॉर्ड मार्जिन से जीत होता है नीलम देवी जी का। तो इस बार जेल में है, कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस बार चुनाव पे? देखिए, इससे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बल्कि पॉजिटिव प्रभाव ही पड़ रहा है, और चुनाव में सब लोग जानते हैं कि भाई किस कारण से जेल गए हैं वो जी। और सब लोग डिसाइडेड हैं यहाँ पे उनको वोट करने के लिए, और उनकी आदरणीय, उनकी जो पत्नी लड़ रही हैं सुश्री नीलम देवी जी, वो भी जुड़ी हुई हैं, लोगों से लगातार समाज सेवा कर रही हैं, और गरीब गुरुओं के साथ साथ जितने हैं बुजुर्गों का, युवाओं का साथ, जोश जबरदस्त है यहाँ पे जी। और ये बढ़ता जा रहा है, कारवां बढ़ता जा रहा है, और बहुत मार्जिन से जीत होने वाली है, और नीतीश कुमार जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विकास को देख करके भी लोग वोट दे रहे हैं। किसी एंगल से यहाँ भाजपा को बहुत कम वोट आने जा रहा है, आप समझ लीजिए, अभी रिकॉर्ड वोट से हारेगी भाजपा जी। और बिहार की राजनीति रहेगा यहाँ का उपचुनाव। लेकिन भाजपा के जो नेता हैं, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनसे बातचीत जब होती है तो वो कहते हैं कि इस बार तो आप लोगों का खाता ही नहीं खुलने वाला है, बोहनी ही नहीं होगा, ये सब नहीं बोलेंगे, तो आप माइक लेके उनके पास क्यों जाइएगा जी? कुछ तो बोलेंगे ही ना, जब विरोधी हैं तो विरोध का ही बात बोलेंगे। वो अभी से ही बोलने लगे हम हार गए, तो फिर कोई वैसे भी अश्विनी चौबे जैसे नेता कह रहे हैं कि बोहनी नहीं होने वाला है, तो कुछ तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भाजपा के आ रहे हैं तो 25-30 आदमी भी उनके साथ नहीं रह रहा है, वार्ड वार्ड घूम रहे हैं, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इतने केंद्रीय मंत्री को आप बुला रहे हैं, इसका मतलब स्थिति गंभीर है। तो बहुत ज़बरदस्त जीत होने वाला है, अब वो भी देखेंगे, रिजल्ट देख करके वो भी परेशान हो जाएंगे। अब देखिए, जनता भाजपा ने जो किया है बिहार के साथ सौतेला व्यवहार, तो जनता सब देखी है। इसी मुद्दे पे नीतीश कुमार जी उनके साथ जुड़े थे 2017 में कि भाई आपको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज लगेंगे, बेरोजगारी दूर होगी, और उन्होंने छलने का काम किया है बिहार के जनता के साथ जी। उसके बाद ये पहला उपचुनाव है जब नई सरकार बनी है, तो इस बार उनको जवाब मिल जाएगा, सरकार जनता ने भी मोहर लगा दिया है चुनाव में इस सरकार पे, तो साफ पता चल जाएगा। कल मेरी विजय सिन्हा से बातचीत हुई थी, विजय सिन्हा तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का काम ही पलटते रहना, पिछले चुनाव में जो वोट मिला था वो भाजपा के चेहरे पर वोट मिला था, लेकिन वो तो पलट के फिर दूसरे पार्टी में शामिल हो गए। देखिए, वो गलत बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था, पहले से डिसाइडेड थे कि चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ेगा, और वो धोखा देने का काम भाजपा ने किया, वो अपने सब्सिडियरी जो है, उनके एक्जिलरी विंग है लोजपा, उसको खड़ा करके भाजपा ही लोजपा करके जहां जदयू के कैंडिडेट थे वहां वोट कटवाने का काम किया, तो धोखा देने का तो उनका रीति रिवाज है भाजपा का। तो यहाँ पर जनता सब समझ चुकी है, बिहार में, बिहार के बाहर जो देश में हवा हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो 17 साल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है उसको देख करके यहाँ जनता वोट करेगी, और वैसे भी मोकामा में पिछली बार अनंत सिंह जी जीते ही थे 38 हज़ार वोट से, लगभग 36-37 हज़ार से, तो यहाँ सरप्लस ही होने जा रहा है। जब यहाँ पे मैं डाटा लिया तो इसके पहले 2015 में भाजपा के उम्मीदवार को लगभग 15 हज़ार वोट आया था, तो आप समझ लीजिए कि भाई 15 हज़ार वोट था, प्लस लोजपा के जो थे उनको उस समय 15-16 हज़ार आया। तो इस बार जो मुझे लग रहा है, अगर आप देखेंगे कि नीलम देवी जी को 90 हज़ार से प्लस वोट आना चाहिए, और इनको 40 हज़ार से ज़्यादा नहीं आना चाहिए भाजपा के उम्मीदवार को, 40-45 हज़ार आएगा, और 45-50 हज़ार से जीत होने वाला, ये भी आप जान जाइए, थोड़ा मामूली जीत नहीं होने वाला है यहाँ पर। मोकामा विधानसभा क्षेत्र का जो स्थानीय मुद्दा है, खास करके मोकामा की मैं बात करूं तो यहाँ पे अस्पताल का बहुत मुद्दा है, ठीक है, लोग लगातार इसके ऊपर आवाज़ उठाते रहते हैं, तो अभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं क्या कुछ काम करेंगे अगर जो यहाँ से जीत होती है तो?
एकदम करेंगे वो। अभी तो स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने ही हैं, आप बनते ही देखिए वो मेडिकल कॉलेज का अभी शुरुआत करवा दिए बेगूसराय में, और यहाँ पे भी करेंगे। युवाओं को उन पे विश्वास है, बिहार के युवाओं को, और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल का जो भी समस्या आप बोल रहे हैं, मैं पर्सनली मिलके भी उनको कहूँगा कि इसको आप प्रायोरिटी बेसिस पे मुकामा में अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो बनवाएं। तो मैं हॉस्पिटल बना हुआ है सर, कुछ व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, तो व्यवस्था ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगे, आप निश्चिंत रहें। डॉक्टर्स की कमी है, बहाली हो रही है अभी बिहार सरकार में, ANM का भी वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद जो स्टाफ की कमी थी हर जगह, तो वो मुझे लगता है 2-2.5 महीने में सब सॉल्व हो जाएगा बिहार के हर एक हॉस्पिटल में। पहले क्या था ये भी देखिए आप, अब तो हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल रहा है हर जगह, तो यहाँ पे ये समस्या तो दूर हो जाएगा, इसकी तो गारंटी मैं ही ले रहा हूँ। जनसंपर्क अभियान में लगातार घूम रहे हैं, क्या लग रहा है जनता के बीच में जाके, और यहाँ पे मोकामा की जो जनता, आप अपनी तरफ से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मोकामा की जनता को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है मोकामा की। आप लोग आज तक आपने एकता का परिचय दिया है, और जात पात से ऊपर उठ करके आप लोगों ने वोट किया है, बहुत जागरूक है यहाँ की जनता। और इस बार मौका आया है, इस बार फिर से नीलम देवी जी को हर चीज़ से ऊपर उठकर, व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को देखते हुए, युवा चेहरा तेजस्वी यादव जी के बातों को रखते हुए, एक बार फिर से इन पे विश्वास करें, इन्हें भारी मतों से जिताएं। जीतने के बाद मैं फिर आपके बीच में आऊँगा। धन्यवाद। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए संजय सिंह थे, आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे। इनका जो कहना है कि इस बार जिस ढंग से अनंत सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीतते आ रहे, इस बार उससे भी ज़्यादा वोटों से यहां से जीत होगी, नीलम देवी की जीत होगी। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।